Good morning to all of you. I am Deepak sir from English Class Age. I welcome you all to this English class. Today we discuss the Hindu editorial dated January 17, 2020 and the topic is Talking of Kashmir on China raising Kashmir issue again at United Nations Security Council UNSC. हम हिंदू एडिटोरियल में बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर जिसकी चाइना ने पुनः यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दा को उठाया है. व्हाइल अपोजिंग इंटरनेशनलाइजिंग ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट इंडिया मस्ट इंगेज पाकिस्तान. जबकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में इसका विरोध किया है कश्मीर मुद्दे को लेकर, इंडिया को अवश्य इस मुद्दे में पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए. वाइल अपोजिंग, आप यहाँ पे गौर करेंगे ये जो वाइल अपोजिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ काम कर रहा है, जबकि भारत ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का विरोध किया है और इंडिया मस्ट इंगेज पाकिस्तान और इंडिया को अवश्य इस मुद्दे पर पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए. For the second time since the government's decision on Article 370 in August last year. दूसरी बार जब से सरकार का निर्णय Article 370 पर अगस्त last year आया है, तब से लेकर China reached the issue of Kashmir at the United Nations Security Council on Wednesday. चाइना ने कश्मीर मुद्दे को United Nations Security Council में बुधवार को उठाया. प्रॉम्प्टिंग ए प्रोटेस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली और इसमें एक उकसावा की स्थिति थी, एक विरोध शो करने की स्थिति थी फ्रॉम न्यू दिल्ली से. इन इट्स रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट सेड दैट बीजिंग शुड रिफ्रेन फ्रॉम ब्रिंगिंग ए बायलेटरल इशू इनटू द यूएनएससी एंड एक्यूज चाइना ऑफ वर्किंग एट पाकिस्तान्स बिहेस्ट. इस पर न्यू दिल्ली से जो जवाब आया, इन इट्स रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट सेड, अर्थात भारत सरकार ने जो बातें कही है, दैट बीजिंग शुड रिफ्रेन फ्रॉम ब्रिंगिंग ए बायलेटरल इशू इनटू द यूएनएससी. बीजिंग को अर्थात चाइना को परहेज करना चाहिए इस द्विपक्षीय मुद्दा को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने से. एंड एक्यूज्ड, और भारत ने दोषी ठहराया चाइना को ऑफ वर्किंग एट पाकिस्तान्स बिहेस्ट, कि चाइना जो है इस तरह के काम पाकिस्तान की सहमति से कर रहा है, पाकिस्तान के सलाह से कर रहा है. ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रिफ्रेन वर्ड मिल रहा है जिसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और इसके बाद जीरंड अर्थात बिफोर का प्रयोग इसके बाद होगा. तो रिफ्रेन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ बायलेटरल इशू इनटू द यूएनएससी. इसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे द गवर्नमेंट सेड एंड द गवर्नमेंट एक्यूज्ड चाइना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने दोषी ठहराया है चाइना को वर्किंग एट पाकिस्तान बिहेस्ट. न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स, अर्थात न्यू दिल्ली का जो जवाब है, आल्सो पॉइंटेड टू द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बींग अपोज टू द चाइनीज रेफरेंस ऑन कंडीशंस इन जम्मू एंड कश्मीर. न्यू दिल्ली के जवाब में यह संकेत दिया गया था एक जबरदस्त बहुमत का जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों का था, बीइंग अपोज टू द चाइनीज रेफरेंस, जिन्होंने चाइनीज बातों का अपोज किया ऑन कंडीशन, शर्तों के अनुसार इन जम्मू और कश्मीर में, विच रिजल्टेड इन अ लैक ऑफ कंसेंसस फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग. और जिसका यह परिणाम हुआ कि आम सहमति की कमी दिखी किसी भी तरह के वक्तव्य देने के लिए एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के अंत में. तो इस तरीके से चाइना की जो बातें थी शर्तों के साथ, जितने भी उसके सदस्य थे उन्होंने विरोध किया और आम सहमति की कमी दिखी जिसकी वजह से किसी भी मीटिंग के अंत में किसी भी तरह का जो वक्तव्य आया वो वक्तव्य में आम सहमति की कमी पाई गई. इंडियाज केस रेस्ट ऑन द 1972 सिमला एकॉर्ड, जबकि भारत का जो केस है वह निर्भर करता है 1972 के सिमला एकॉर्ड के तहत, सिमला समझौता के तहत, वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू बायलेटरली.
कहते हैं कि जहां पे इंडिया और पाकिस्तान ने जो है कश्मीर इशू का समाधान दोनों पक्ष मिलकर करने की सहमति ऑलरेडी जता चुके हैं। चाइनाज रिपीटेड रेजिंग ऑफ कश्मीर सिंस लास्ट अगस्त विच इंक्लूड्स एन एबॉर्टेड अटेम्प्ट इन दिसंबर इज अनकंस्ट्रक्टिव एंड विल इम्पैक्ट द इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशनशिप इफ इट कंटिन्यूज। यहाँ पे यह बात कही जा रही है कि चाइना ने बार बार कश्मीर के मुद्दे को पिछले साल लास्ट अगस्त से उठाने की कोशिश की है, जिसमें इसका दिसंबर का भी वो प्रयास शामिल है जिसमें वो नाकाम हो गया। इज अनकंस्ट्रक्टिव और यह जो है असंरचनात्मक है एंड विल इम्पैक्ट द इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशनशिप, और कहता है कि ये प्रभावित करेगा भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं, और ये लगातार अगर ऐसा होता है तो इससे भारतीय और चाइना की जो दोस्ती है वो प्रभावित होगी। इट इज ऑल्सो अनलाइकली टू पुश द गवर्नमेंट विच हैज ऑलरेडी डिफाइड सेवरल इंटरनेशनल कॉल्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज इन टू लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस और रोलिंग बैक इट्स मेजर्स इन कश्मीर। इसी संबंध में यह कहा जा रहा है कि यह असंभावित है कि भारत सरकार जो है आगे बढ़े इस विषय पर, जो कि पहले से ही कई मित्र देशों के अंतर्राष्ट्रीय कॉल को अस्वीकार कर दिया है इस विषय पर कि यह चूंकि बायलेटरल इशू है, दो देशों के द्वारा मिलकर चलने वाला यह मुद्दा है, इसलिए जब भी इसका समाधान होगा तो केवल दो और दो देशों के बीच ही इसका समाधान होगा। इनटू चाहे वो मुद्दा लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस और रोलिंग बैक इट्स मेजर्स इन कश्मीर रहा हो, चाहे वो प्रतिबंधों की बात रही हो या और भी कई सारे पुराने उपायों की बात रही हो कश्मीर में, ये सारे मुद्दे जो हैं यह अंततः बायलैटरल इशू बनकर ही इसका समाधान होगा। गिवन दैट न्यू दिल्ली हैज रिफ्रेंट फ्रॉम रेजिंग सिमिलर इशूज ओवर तिब्बत, जिनजियांग और हांगकांग, इट इज अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ बीजिंग टू टेक इट्स कंसर्न टू द इंटरनेशनल स्टेज, स्पेशली सिंस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग डिड नॉट ऑफिशियली रेज सच कंसर्न्स व्हाइल विजिटिंग इंडिया इन अक्टूबर। यह जानते हुए कि न्यू दिल्ली ने पहले ही इस तरह के कई मुद्दों को उठाने से परहेज किया है, रिफ्रेंट फ्रॉम परहेज किया है, चाहे वो मुद्दा तिब्बत का हो, चाहे वो जिनजियांग का रहा हो या हांगकांग का, तो इट इज अनफेयर, यह अनुचित है ऑन द पार्ट ऑफ बीजिंग, बीजिंग के तरफ से, कि वह इस तरह की चिंता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाए, स्पेशली खास तौर पे सिंस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग डिड नॉट ऑफिशियली रेज सच कंसर्न्स। उस स्थिति में जब प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भारत में अक्टूबर में आए थे तो ऑफिशियली लेवल पर, ऑफिशियली सरकारी स्तर पे इस तरह के किसी भी मुद्दे का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। वाइल चाइनाज मूव मे बी अनवारंटेड, इट इज एट अनदर रीजन फॉर न्यू दिल्ली टू टेक हिट ऑफ द कंटिन्यूइंग एंड अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स एक्शन इन कश्मीर। जबकि चाइना का इस तरह का जो मूव है, मे बी अनवारंटेड, दैट मीन्स यह बिना आवश्यकता की है, इट इज एट अनदर रीजन, और यह दूसरा कारण हो सकता है फॉर न्यू दिल्ली टू टेक हिट ऑफ द कंटिन्यूइंग एंड अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स एक्शंस इन कश्मीर, कि वो लगातार जो है ध्यान दे रहा है जो कि इस तरह की आलोचना जो है कश्मीर पर अनप्रेसिडेंटेड हो रही है, अद्भुत हो रही है, इतिहास में पहली बार इस तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। प्रायर टू अगस्त द लास्ट टाइम कश्मीर वाज रेस्ड एट द यूएनएससी फॉर्मेट वाज इन 1971। प्रायर टू अगस्त, अगर हम अगस्त की वरीयता में देखें, लास्ट टाइम कश्मीर पे जो मुद्दा यूएनएससी में उठा था, ये उठा था 1971 में। इट हैज सिंस बीन रेज ट्वाइस विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months, और तब से लेकर अभी तक महज 5 महीने में ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है दो बार ये उठाया जा चुका है। चाइना में है फाउंड नो टेकर्स फॉर ए स्टेटमेंट, बट द फैक्ट दैट इट वॉज अलाउड टू रेज द इशू एट यूएनएससी कैन नॉट बी ब्रश्ड अवे।
चाइना ने इस चीज को अच्छे तरीके से पाया है कि इस तरह के वक्तव्य को कोई वहां पे स्वीकार करने वाला नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि इट वॉज अलाउड टू रेज द इशू एट UNSC कैन नॉट बी ब्रश्ड अवे। चाइना को मुद्दा उठाने से कोई भी UNSC में रोक नहीं सकता है। Nor can India maintain the duality of insisting on the one hand that Kashmir is bilateral issue and on the other hand rejecting all bilateral talks with Pakistan। और ना ही भारत जो है द्विविधता वाली स्थिति पे जोर दे सकता है, ऑन द वन हैंड एक तरफ कि कश्मीर बायलेटरल इशू है और ऑन द अदर हैंड रिजेक्टिंग ऑल बायलेटरल टॉक्स विद पाकिस्तान, और दूसरी तरफ कि पाकिस्तान जब भी वार्ता के लिए अगर आगे बढ़े तो दो पक्ष की जो वार्ताएं हैं उसको रिजेक्ट करता रहे। At some point, the government must push for normalization of ties with Pakistan as well as for the lifting of restrictions in Jammu and Kashmir. कुछ विषयों पर गवर्नमेंट को निश्चय ही आगे बढ़ना चाहिए फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान से समान स्थिति बहाल की जा सके, एज वेल एज फॉर द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस प्रतिबंध को उठाना चाहिए। In the past few days, it seems the government has decided to review some of its decision taken in August. पिछले कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि वह कुछ मुद्दों पे दोबारा विचार करेगी जो कि उसने अगस्त में जिस विषय पर निर्णय लिया था। इट हैज रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रीअस्टोर्ड 2G कनेक्टिविटी टू सिलेक्ट प्लेसेज, और इसी मद में इसने कुछ राजनीतिक बंदियों को भी छोड़ा है और पुनर्बहाल करने की जो 2G की जो कनेक्टिविटी वाली में जो मैटर थी, चुनिंदे स्थानों पे 2G पुनर्बहाल की गई है। इट हैज आल्सो टेकन वन ग्रुप ऑफ इन्वॉयस टू श्रीनगर एंड जम्मू एंड इज मेकिंग प्लान्स फॉर 36 cabinet ministers who have not visited the region 8 to travel there। और यहाँ पे एक दूतों के समूह को श्रीनगर ले जाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर ले जाया गया है, और यह योजना बनाई जा रही है कि 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी वहाँ ले जाया जाए हु हैव नॉट विजिटेड द रीजन 8, जो कि अभी तक उस क्षेत्र में नहीं गए हैं जब से 370 आर्टिकल को रद्द की गई है 8 टू ट्रेवल देयर, ताकि वो वहाँ जाए देखें वहाँ की स्थिति को। दिस मेजर्स हाउएवर मस्ट नॉट कम इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स बट मस्ट बी कम्प्रिहेंसिव, और कहा जा रहा है कि ये सारे जो उपाय किए जा रहे हैं ये निसंदेह अल्प या थोड़े थोड़े करके नहीं होने चाहिए, बट मस्ट बी कम्प्रिहेंसिव, इसको विस्तृत होने चाहिए था, समझने योग्य होने चाहिए। Only been all communications and are reassured, all political prisoners freed and added security restrictions removed, can the real task of healing in Jammu and Kashmir even begin। यहाँ पे अंततः यह बात कही जा रही है कि जब जम्मू एंड कश्मीर में सारे संचार के साधन पुनर्बहाल कर दिए जाएंगे, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, उनसे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएंगे, तब वास्तव में कश्मीर में सही शुरुआत जो है उनके आगे बढ़ने की होगी, और यहीं से जम्मू एंड कश्मीर की एक नई हवा के साथ नई जीवन की शुरुआत होगी। डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक निसंदेह 370 आर्टिकल और कश्मीर से संबंधित है। इसमें काफ़ी सारे सुंदर वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करेंगे। फॉर गेटिंग मोर वीडियोज यू मस्ट सब्सक्राइब द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी बाय दीपक सर। थैंक यू।